खुदा कुछ राह तो दिखा। बाजी घर पे कोई आया था आपके जाने के बाद, बहुत जोर से दरवाजा बजा रहे थे। क्या मतलब कौन आया? पता नहीं, लेकिन बहुत जोर जोर से कोई दरवाजा बजा रहा था। मेरी बीवी की इन्होंने कब्जा किया मेरे घर के पास। अरे कहां से घुस रहे हैं ये लोग? अरे मेरी बीवी के पास। अरे चुप कर, वहां से कर। शब आवी ने मुझे फोन कर दिया। कौन? सॉरी, चलो लेके चलो यहां। अब इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आए, मैं छोड़ के आती हूँ। क्यों, तुम क्यों जाओगे? तो घर से बाहर निकालो, कुंडली बंद करो। सही कह रही है अम्मी, अब मैं कोई चांसेस नहीं ले सकती। कल कोई कहीं और चली जाए और फिर कोई और हमारे घर पे पहुंच जाए, फिर हम क्या करेंगे? मेरा फॉर गॉड सेक। मेरे खुदा कुछ राह तो दिखा। सहर, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, खालिद वाला मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया बाजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। बस अब वो हमारे या तुम्हारे घर के इर्द गिर्द भी नहीं नजर आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम आपका इतना बड़ा एहसान कैसे उतारेंगे। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस अब तुम खामोशी से और कोई चलाकी किए बगैर अपना काम करो। मेरे लिए बहुत आसान था कि अभी खालिद के साथ साथ तुम भी पुलिस स्टेशन में होती, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ एक वजह से रहने दे रही हूँ और वो है मेरा बेटा हसन। ठीक है? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होगी। जितनी पहुँची है अभी तक उतनी काफ़ी है, इसके बाद अगर कोई भी मजीद तकलीफ पहुँची तो तुम उठाओगे, हम नहीं। जी चलो, जाए घर संभालो, कल हसन की सालगिरह है। अम्मा क्या हुआ अब? बताना, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इस डायन के होते हुए मेरी तबीयत ठीक रह सकती? इस डायन का साया मेरे घर पे छा गया है। मैं किस तरह मेहनत करूं तेरी, तू ही बता दे मुझे। अरे जहर दे दे अपनी माँ को, जहर, ताकि मर जाऊं। जिंदा होंगी और ना तुझे कुछ कहूंगी और खुशी खुशी रहे अपनी उस शहजादी के साथ। मैं तुझे बता रही हूँ, खाने आए हैं इस घर में वो, निमाला बना दिया तुझे और तूने मुझे निमाला बना के उसके आगे डाल दिया। खुदा का वास्ता बदवाएं तो ना दे, बेटा हूं मैं तेरा। हाँ बेटा, दुश्मनों से बढ़ के काम किए तूने मेरे साथ। एक बात बता दूं, तूने माँ का दिल दुखाया, खुश नहीं रहेगा तू। अच्छा अम्मा, तू गुस्सा ना कर, तू रुक, मैं तेरे लिए खाने कुछ ला दूं। मेरे लिए कुछ डाला? जा जाके अपनी शहजादी को खिला। कमबख्त मारी, जब से आई है रो ही रही हूं मैं। ऐसी शादियां होती है बेटों की।
Oh my God, I hope हसन को ये चीजें पसंद आएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएंगी? वैसे भी मैं दुकानदार को कह के आया हूँ कि अगर मेरे बेटे को कोई चीज पसंद ना आई तो सारी वापस कर दूंगा। उसने देखी तो नहीं ना? देखी तो तुमने भी नहीं। आप मुझसे कुछ और छुपा रहे हैं? तुमसे भला कुछ छुपा सकता हूँ? कुछ तो छुपा रहे हैं। अच्छा, आंखें बंद करो। साइम, आंखें बंद और इधर आओ। और अब तुमने तब तक आंखें नहीं खोलनी जब तक मैं नहीं खोलता। आंखें बंद। आंखें बंद, आंखें बंद। अब खोलो। Oh my God, साइम, मेरे लिए? अरे नहीं तो, मेरी मोहब्बत के लिए। तुम्हें शिकवा रहता है ना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता? फिर तो मैं आपसे रोज शिकायत करूंगी। लेकिन seriously, thank you, साइम, it's beautiful. तुमने पहना है तो और भी अच्छा है। और आपने पहनाया है तो मेरे लिए और भी अहम। अच्छा भाई, बड़े जबरदस्त किस्म की पार्टी प्लान की है मैंने। सहर, सहर, ये लो, आ जाती है पेंडेंट। लेकिन बाजी, ये तो आपका है। अरे तो क्या हुआ, हसन ने कहा था ना कि आज तुम तैयार होगी। मेरे बेटे ने अपनी हर खुशी तुमसे जोड़ लिया, तुम्हारी वजह से खुश है। लो। शुक्रिया। जल्दी से तैयार होके आ जाना। हाँ, बहुत काम है करने के लिए। जी। मीरा, सब रेडी है ना? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी। मीरा, पता तो करो, इसके माँ बाप मारवाड़ तो नहीं गए कहीं? अम्मी, क्या करूं, जिस नंबर पे कॉल कर सकती थी वो सारे नंबर बंद जा रहे हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि
हमें काम वाली की जरूरत तो है और हसन भी काफी अटैच हो गया इससे, तो क्यों ना हम इसे ही रख लें। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। बेटा जरा मुझे अमजद के यहाँ छोड़ दोगे? आ गए वापस? हाँ कब के? नायला बहुत बुला रही है मुझे दरअसल। अम्मी मेरी मीटिंग है, मुझे देर हो रही है। मैं ड्रॉप कर दूंगी आपको। अच्छा बेटा थैंक यू सो मच, मैं जरा अपना बैग लेके आती हूँ। बस मैं भी चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ओके बाय। जमील हाँ, मुझे अब यहाँ और नहीं रहना। अब क्या हुआ? शर्म कर ले तू, तेरी वजह से मुंह छुपाकर यहाँ बैठे हैं। पता नहीं वहाँ बच्चियों का क्या हाल होगा। शमीम जैसे वो तेरी बच्चियां हैं ना, मेरी भी है, मुझे उनकी फिक्र है। मुझे अगर फिक्र होती ना तो कब का इंतजाम कर चुका होता। कोशिश तो कर रहा हूँ और क्या करूँ। मेरी बात सुन ले कान खोल के, मैंने कह दिया ना मुझे वापस जाना है अपनी बच्चियों के पास, सुन लिया तूने? ये कान है ना, सुन रहा हूं, बहुत तेज आवाज आ रही है। जा 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 जा। यार कसम से बड़े खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हें नहीं पता। हाँ ये बात तो है, तन्हाई के अलावा कोई गम नहीं है, ना बीवी ना बच्चे, सारे काम अच्छे ही अच्छे। यार कसम से इस हाल में तुम्हें देख के बहुत तकलीफ होती है यार। हाँ वो तो तुम्हें होगी भाभी क्लिनिक में। हाँ यार बस यही 3-4 घंटे मिलते हैं आजादी के, उसके बाद बैक टू रूटीन। तुम और आजादी, अरे भाई पिंजरे के परिंदों की क्या आजादी, और पिंजरा अगर खुला भी रह गया तो तुमने कौन सा उड़ जाना है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीनी लेंगे आप? नहीं मैं ले लूंगा। अच्छा साहब और कुछ लाऊं? नहीं बस कुछ नहीं, थैंक यू, जाओ। सुनो वो जी मेरी वो व्हाइट शर्ट इस्त्री कर देना। जी अच्छा। ये कौन? ये मेड है यार। नहीं हसन के लिए रखी है, लेना। मेड? ऐसी मेड घर में हो ना तो लड़ाई हो जाती है। तू चाह रहा है कि लड़ाई हो जाए? जितना तो रोमांटिक रहा है ना, लड़ाई तो होगी। ओ भाई आराम से बात कर, जिस घर में बीवी होती है ना उस घर में दीवारों के भी कान होते हैं। अरे टेंशन मत ले, दीवारों के कान होते हैं, सुबान थोड़ी होती है। याद है पुराने दिन? यार वैसे क्या हो गया? नहीं वो हाथ चल गया। अरे शर्ट जल जाएगी। सॉरी। कहाँ लगा है, बाजू पे दिखाओ। नहीं ठीक हो गया। सहर मुझे बर्गर बना दो। हसन मैं ये शर्ट इस्त्री कर लूँ फिर आपके लिए बर्गर बनाते हैं। नहीं मेरा बर्गर अभी बनाओ। अच्छा बाबा ठीक है चल पहले तुम्हारे लिए बर्गर बनाते हैं। सो गए?
अभी सोया। साहब वो बाजी नहीं आई अभी तक? नहीं बस आने वाली होंगी, क्यों? नहीं वो कभी मेरे सामने इतनी देर तक बाहर रही नहीं ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें फिर से डर लग रहा है क्या? नहीं अब कैसा डर, और दादी अम्मा वो कब तक आएंगी? शहर सारे सवाल तुमने आज ही करने हैं क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शहर? वालेकुम अस्सलाम, हेलो डियर, हाउ आर यू? कैसी रही सर्जरी, बच गई? कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन शी सर्वाइव्ड, सोर्ड ऑफ द चाइल्ड। चलो शुक्र है। हसन सो गया? जी बस अभी सोया। शहर एक चाय का कप प्लीज ले आओ मेरे लिए। मेरे लिए भी, मेरा भी मूड हो। जी अभी लाती। तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई ले लो। नहीं मैं बस एक्चुअली मुंह हाथ धो के आती हूँ। सी यू इन द रूम। ओके। क्या है यार, बस जरा सी थकन हुई है, ठीक हो जाऊंगी। बाजी इतना तेज बुखार है आपको और आप कह रही हैं थोड़ी सी थकन है? हटाओ ये पटलियां बटियां। अच्छा फिलहाल तुम कहीं नहीं जाओगी, ओके? नो क्लिनिक, बेड से पैर नहीं उतारना तुमने, इस हालत में कहीं नहीं जाना तुमने। मैं आपके लिए सूप बना दूं? दिखाओ मुझे अब कितना है। अरे दिखाओ ना कितना है। 103 आर, ठीक हो जाऊंगी। 103 इज नॉट फाइन मीरा। पापा मैंने मेडिसिन ले लिया ना, ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। आप ऑफिस जाएं, शहर साहब के लिए नाश्ता बनाओ। बाजी मैं नाश्ता बनाकर टेबल पर रख कर आई हूं। आर यू श्योर यू आर गोना बी फाइन? यस पापा, बस एक दो घंटे सो जाऊंगी फिर ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन अम्मी को कहता हूँ कि वापस आ जाए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत अरसे के बाद निकली है वो, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। साहब आप फिक्र ना करें, मैं बाजी के पास ही रहूंगी सारा दिन। अच्छा चलो ठीक है, मैं नाश्ता करके तुम्हें चेक करता हूँ। ओके तुम जाके साहब को नाश्ता वास्ता दो और किसी चीज की जरूरत हो तो दे देना, ठीक है? गो। ए मरीज कहीं की, तुझे कहा नहीं था मेरे घर के बर्तनों को हाथ मत लगाया कर। क्यों हाथ लगाया तुमने? अब ये सारे बर्तन मुझे फिर से पाक करने पड़ेंगे। मैं अछूत नहीं हूँ अम्मा, मासी जरूर हूँ लेकिन मेरे सीने में भी दिल है, मैं भी इंसान हूँ। ये इंसानियत ना किसी और को जाके बताना। मुझे तो लगता है ऐसे घर से आई है जहाँ बेटियों से तंग थे, बोझ समझते थे बेटियों को, तभी तो जब से मेरे बेटे के साथ भाग के आई है किसी ने रब्ता तक नहीं किया। अरे करेंगे भी क्यों, मुफ्त में जो आ गई सब कुछ मुफ्त में हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा घर वालों को, और यहाँ आके मेरे बेटे के गले में फंस गई है। तौबा है, समझ नहीं आती इन्हें मेरी बातों की। दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। सब चाय।
चीनी? आधा चम्मच डाल दिए। अच्छा सुनो, आज बाजी को काम मत करने देना और सूप भी पिला देना, मना करे तब भी कहना मैंने कहा था। साहब आप परेशान मत हो, बाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुनो जी, मेरा नंबर है तुम्हारे पास? पेन वो डायरी देना। हर 2 घंटे बाद उनका टेम्परेचर चेक करना तुम्हें, और मुझे फोन करके रिपोर्ट भी देनी है। खास ख्याल रखना उनका। ओके ये लो। मैं फोन कैसे करूंगी, मेरे पास मोबाइल नहीं है। लैंडलाइन से कर लेना। जी जमीन, ताला देके तुझे बात समझ में नहीं आती क्या? निकाल दिया मैं घर से। इतना काम आया हूं मैं इन बरादरी वालों के हमेशा। बुरा वक्त पड़ने पर कोई काम नहीं आता, अरे वक्त पर सब साथ छोड़कर चले जाते। शहर देख के चला करो। अंधी हो गई हो क्या, नजर नहीं आता? खुदा कुछ रहा तो सहर, सहर। जी बाजी जी। यार तुम तो कहीं भी सो जाती हो, ख्वाब भी देखना शुरू कर देती हो। नहीं वो आपको दबाते दबाते सो गए। हसन आ गया? नहीं बाजी, वो थोड़ी देर में आएंगे। और सारा काम हो गया? जी, खाना भी बना लिया, कपड़े भी धो दिए और कपड़े इस्त्री भी कर दिए। आपके लिए सूप बनाया है, लाकर दूं आपको? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। साहब कहकर गए थे कि आपका ख्याल रखूं, आपको सूप भी पिलाऊं, और आप कह रही हैं दिल नहीं कर रहा, किसकी सुनूं? वो कहते ही रहते हैं, छोड़ दो उन्हें। नहीं बाजी जी, साहब आपके लिए बहुत परेशान थे, इसीलिए मुझे सख्ती से कहकर गए कि मैं आपके पास रहूं, आपका ख्याल रखूं, इसीलिए मैं यहां से उठी नहीं। चलो जाओ, हंसना है तो उठा देना। हाँ जी। बाजी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। Thank you.
हेलो हेलो, मैं सहर। हाँ बोलो जी। वो आपने कहा था ना कि कॉल करके बाजी की तबीयत का बताना, बस इसीलिए। कैसी तबीयत है? बुखार उतरा? उतरा तो नहीं है लेकिन पहले से कम है। सो रही है क्या? जी सो रही है। जैसे आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसे किया है। उन्हें बेड से पैर तक नीचे नहीं उतारने दिया। ठीक है, शाबाश। ओके थैंक यू। परेशान किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या करता बेचारा, तुम तो अपना ख्याल रखती नहीं हो। नहीं ऐसा नहीं है, वैसे भी सायम ऑफिस जाते हुए उन्होंने शहर की ड्यूटी लगा दी थी मेरा ख्याल रखने के लिए, और उसने बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा। मैं आपके लिए चाय ला दूं? नहीं जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अम्मी यही वो मासी है? हाँ यही है वो आसमानी तोहफा। अम्मी बेचारी चेहरे से तो बहुत शरीफ लग रही थी। अरे छोड़ो, इन लोगों की शक्लों पे ना जाना। जरा देख के भाईजान, कुछ उसके खिलाफ बात मत कर देना, हसन बहुत ज्यादा अटैच्ड है उसके साथ। अच्छा, मतलब हसन मियां ने मासी के साथ दोस्ती कर ली? उसका नाम मासी नहीं, सहर है। हाँ भाई मैं नहीं जानता था, सॉरी यार। शहर से दोस्ती कर ली आप? वाकई जब से शहर आई है सब कुछ काफी सेटल हो गया है। अब मैं ऑफिस जाते हुए डरती नहीं हूँ कि मेरा बेटा मेरे बगैर बोर हो जाएगा। अरे भाई बच्चे अपने साथी खुद ही ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ये भी मुझे बहुत तंग करता था बचपन में। हाँ और इसी बदले में आपने मेरी मीरा से शादी करा दी ना। अच्छा लेकिन बचपन में मैं तो बहुत अच्छी बच्ची थी, तो मुझे किस बात की सजा मिली? बस अरे अरे भाईजान बताए ना जरा मेरे किस्से। अब कहां से शुरू करें? क्या हुआ? जाके देख ले क्या हुआ है? ये ताला क्यों लगा हुआ है? जमील ताला देख के तुझे बात समझ में नहीं आती क्या? निकाल दिया मैं घर से। इतना काम आया हूं मैं इन बरादरी वालों के हमेशा। बुरा वक्त पड़ने पर कोई काम नहीं आता। अरे वक्त पर सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। सुबह में सबसे मिलके गया हूँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे बात कोई बात हुई है क्या? अरे बात तो कई दिनों से हो रही। मैं तो कहती हूँ जमील चल वापस चले, कब तक जलील होंगे यहाँ बैठकर। वो मुराद खान ने 2 हफ्तों का वादा किया पैसों का। जमील नहीं देगा पैसे वो। अरे कितने दिनों से तो टाल रहा है। जमील चल वापस चले, पता नहीं वहां शहर का क्या हाल होगा। सारे काम काज छोड़कर बैठे हैं हम। सब जानता हूं मैं भी बाप हूं। खालिद मनुस को भी अच्छी तरह से जानता हूं। उसने अगर बदला लेना होगा ना तो अपने बाप को भी माफ नहीं करेगा। देख शमीम, मुराद खान ने पक्का वादा किया है। देख मैं पैसों के बगैर जाना नहीं चाहता। जा इतनी फिटी बर्दाश्त की है, बस थोड़ी सी और कर ले। ऐसा करते कि तेरी खाला के गांव चलते। सही है जमील, तेरी जो मर्जी आए कर। हालात ने तो वैसे ही हमें धूल मिट्टी जैसा कर दिया। कभी यहां फेंके कभी वहां,
चला चला चल चल। हेलो। हाँ ठीक है, ग्रेट। बस मैं भी पहुंच रहा हूँ, देख लेना मीटिंग रूम तैयार हो। हाँ ओके। अरे सुबह उठ गई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा, आप इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ वो एक जरूरी मीटिंग है, बाहर से कुछ फॉरेनर्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी डील है, दुआ करना हो जाए। अल्लाह आपको और कामयाब दे। ये तो सब तुम्हारे नसीब से। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी में सिर्फ तरक्की ही तरक्की दिखी। नहीं साहिब, इसका क्रेडिट तो आपकी मेहनत और अम्मी की दुआएं को भी जाता है। अरे यार मैं भूल गया मैं किससे बात कर रहा हूँ, मीरा से, जो किसी बात का क्रेडिट ही नहीं लेती। अच्छा चलो शाम में मिलते हैं। बाबा मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं मैं ऑफिस में कुछ कर। चलिए सहर को कह देती हूँ, वो कुछ बना दे। नहीं नहीं मुझे वाकई देर हो रही है, ऑफिस में कुछ कर लूंगा। ओके हैव अ गुड डे। हाँ तुमने पता किया? हाँ तेरे घर पे ताला है, नंबर भी सब बंद है, किधर जा सकते हैं? मुझे तो लगता है कि ये वाला घर ही छोड़ दिया हम लोगों ने खालिद के डर से। लेकिन शहर तो मुझे फिर भी ढूंढती ना, उसको तो तेरी दुकान का भी पता है, मुझे लगता है जरूर कोई मसला हुआ है। एक तो सारे के सारे मसले हमारे नसीब हो गए थे, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, अगर उन्होंने घर बदल भी लिया है तो काम वाली जगह से तो नहीं ना गए होंगे? तू मुझे उस डॉक्टर बाजी के घर ले जा, वहां से पता चल जाएगा। समीना एक बात बता मुझे, तेरे घर वालों को तुझे ढूंढना चाहिए था ना, आखिर तुम भी तो उनकी औलाद है। पता है इसलिए मैं और परेशान हो रही हूँ, अम्मा और शहर को तो कम से कम ढूंढना चाहिए था ना। शादी के बाद एहसास हो रहा है कि जिंदगी में अपनों की कितनी अहमियत होती है। अपने होते हैं ना तो छोड़ के नहीं जाते। इसी बात के ताने तेरी माँ भी देती है मुझे। फिर से मेरी माँ? तू मेरी माँ का जिक्र किए बगैर रह नहीं सकती क्या? नहीं, क्योंकि अब वो मेरी जिंदगी के हर जिक्र में खुद शामिल हो चुकी है। ठीक है ठीक है, क्या मूड बना के आया था, क्या प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं, वो ही तेरी माँ, तेरी माँ। तू तो मर्द है, लड़के बाहर चला जाता है, मेरा सोच, दिल में हसरतें और उम्मीदें और हर मुसलसल ताने। तू ना बस मेरी तरफ देखा कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? तुम्हारी मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। अम्मी मुझे बस हल्का सा बुखार हुआ था, अब मैं ठीक हूँ। तुम जानती हो ना बेटा, इस हालत में अगर जरा सी भी तबीयत खराब हो जाए ना तो उसे इजी नहीं लेना चाहिए, ख्याल रखा करो अपना। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अच्छा ऐसा करो कि साइम को फोन दो, बात करती हूँ मैं उससे। अम्मी अभी वो ऑफिस गए हुए हैं, मैं घर पे अकेली हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मेरे साथ सहर होती है, मेरा बहुत ख्याल रखती। सहर? कौन सहर? मैं आपको बताया था ना शमीम की बेटी हमारे घर पे काम करने के लिए आई हुई है।
तो वो यही रहती है, मेरे साथ होती है पूरा वक्त, आप फिक्र मत करें। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आई होप वो तुम्हारा ख्याल रखती हो। जी मेरी प्यारी मामा। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं शाम में चक्कर लगाऊंगी तुम्हारी तरफ। ओके ठीक है, मैं आपका इंतजार कर। ठीक है बेटा, टेक केयर, हाँ खुदा हाफिज। शहर आ जाओ ना यार, कितनी देर है। हाय हैंडसम, कैसे हो? शहर देख के चला करो, अंधी हो गई हो क्या, नजर नहीं आता? जी वो पता नहीं चला। अम्मी गलती से हो गया था, कोई बात। बाबा अब आप ही मेरे साथ खेल लेना। बेटा थोड़ी देर में। हाँ जाओ यहां से, खड़ी क्या हो? शहर ये काम करने के बाद देख लेना कि हसन ने दूध खत्म किया है नहीं। मीरा नजर रखा करो इस लड़की पर, बहुत खिलती जा रही रोज बरोज। कौन? यही तुम्हारी लाडली मासी, और कौन? बड़े परपुरजे निकल आए इसके, सारा डर खौफ निकल गया। अब क्या किया इसने? अरे आज इसने साइम पर पानी फेंक दिया, बदतमीज कहीं की। हाँ कब? आज। नाबीना है, अंधी है, नजर नहीं आता क्या, इतना बड़ा आदमी। अम्मी क्या हो गया, गलती से उसे पानी गिर गया, क्यों आप काम का स्ट्रेस ले रही हैं इसका? हाँ हाँ तुम दोनों मिलके बचाते रहो उसे। अच्छा अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं समझा दूंगी उसे, भूल हो गई होगी, जानबूझ के थोड़ी करेगी वो ऐसे। साइम बेटा वो तुम्हारा दोस्त है ना, शाहिद पुलिस में, उसे कौन है इसके माँ बाप का पता करे। अम्मी तंग आ गए हैं इस टॉपिक से, जब आना होगा उन लोगों ने खुद ही आ जाएंगे। जब देखती हूँ ना इसे वो दिन याद आ जाता है, इतना गुस्सा आता है मुझे क्या पता। अच्छा क्यों खामखा परेशान हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे, मैंने ये जाना।